यमन के हुती ने लाल सागर में 21 अगस्त 2024 को ग्रीक झंडे वाले सोयूनियन क्रूड ऑयल टैंकर पर शुरुआती हमला किया था। इसके बाद अगले दिन भी हुती ने इस जहाज पर कई मिसाइलें बरसाई थी, जिसकी वजह से इस जहाज में आग लग गई थी और करीब एक हफ्ते तक इस जहाज के कई हिस्सों में आग धधकती रही थी। और उसके बाद हुती के लड़ाके इस जहाज पर चढ़ गए थे और जहाज पर मौजूद तेल के बैरल्स में बम लगाते हुए 6 धमाके करते हैं, जिसका वीडियो पूरी दुनिया के सामने आया था। लेकिन अब एक बार फिर से हुती ने एक ऐसा ही हमला किया है। हुती ने लाल सागर में पनामा के झंडे वाले ब्लू लेगून 1 जहाज पर हमला किया है। हुती का आरोप है कि ये जहाज प्रतिबंधित फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से इस जहाज पर हमला किया गया। हुती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इसको लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस हमले की पुष्टि की है। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بلو لاغون في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة وقد أصيبت إصابة مباشرة بفضل الله استهداف السفينة بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة نفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. आपको बता दें कि हुती ने एक बार फिर से सभी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो इजराइल के साथ कारोबार कर रही हैं, अगर उनके किसी जहाज ने घोषित इलाके में घुसने की कोशिश की तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा, चाहे वो जहाज कहीं भी जा रहा हो। جدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف خلال مرورها من منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हुती के हमलों की वजह से लाल सागर से गुजरने वाले 1 ट्रिलियन के सामान की आवाजाही बाधित हुई है, जो हर साल इस रूट से निकलता है। वहीं हुती के इस हमले को लेकर अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित जॉइंट मैरिटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर का कहना है कि 2 अगस्त 2024 को हुती ने सबसे पहले 2 बैलिस्टिक मिसाइलें ब्लू लेगून ऑयल टैंकर पर फायर की थी और एक तीसरी मिसाइल जहाज के करीब आकर फट गई थी। जहाज पर सवार चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज को मामूली नुकसान होने की खबर है, लेकिन उसे मदद की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पनामा के झंडे वाला ब्लू लेगून एक गैर सूचित गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा था। यह जहाज रूस के उस लुगा बंदरगाह जो बाल्टिक सागर पर है, वहां से आ रहा था और इस जहाज ने संदेश जारी कर कहा था कि इस पर रूसी मूल का कार्गो है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले महीनों में यह जहाज भारत भी आया था। इस जहाज ने भारत की जरूरत के 40% से ज्यादा के तेल की रूस से डिलीवरी की थी और इस जहाज को ग्रीक की एक कंपनी चलाती है। इस जहाज पर हमले को लेकर जॉइंट मैरिटाइम सेंटर का कहना है कि इसकी कंपनी के जैसे दिखने वाले अन्य जहाज हाल ही में इसराइल के बंदरगाह पर आए थे
और इसी वजह से हूतियों ने इस जहाज को उन जहाजों जैसा समझकर हमला कर दिया।